मकई के खेत से गृहिणी का अर्धनग्न शव बरामद। वैष्णो नगर थाना क्षेत्र के बखराबाद ग्राम पंचायत अंतर्गत सरकारपाड़ा इलाके में मकई के खेत से एक गृहिणी का अर्धनग्न शव बरामद किया गया। इस घटना से पूरी इलाके में सनसनी फैल चुकी है। शव को देख ऐसा माना जा रहा है कि महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। बीते कुछ वक्त से मालदा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में एक के बाद एक महिला के साथ अत्याचार और हत्या की खबर सामने आ रही है, जिसको लेकर महिला की सुरक्षा को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में एक घटना सामने आई थी जहां पर मकई की खेत से एक नाबालिका का नग्नावस्था में शव बरामद हुआ था। इस घटना को बीते ज्यादा वक्त नहीं हुआ तब तक एक और कुछ इसी प्रकार की घटना सामने आ गई। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक उक्त गृहिणी अपने मकई के खेत में मकई उगाने गई थी, तब इसे गृहिणी लापता थी। घटना के महज 3 दिनों बाद स्थानीय कुछ लोगों ने मकई के खेत के सामने से एक गृहिणी का शव पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद उन्होंने इस घटना की सूचना पुलिस प्रशासन और उनके परिजनों को दी। जैसे ही यह सूचना उनके परिवार को मिली, वह घटना स्थल पर तुरंत पहुंच गए। गृहिणी के भाई का कहना है कि उनकी बहन की गर्दन पर चाकू के निशान है। ऐसा माना जा रहा है कि गृहिणी के साथ शारीरिक दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी है। मृत गृहिणी के भाई का कहना है कि जिसने भी उसकी बहन की हत्या की है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। गृहिणी की मौत कैसे हुई, यह अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। यह पूरा मामला जांच का विषय है। इधर पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एचएस परीक्षा सेंटर गेछिलाम, মধ্যে একজন আমার পাড়ার এক বন্ধু ফোন করল। ও বলল যে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে যে আমাদের মানে মাঠে শুনলাম যে আমাদেরই পাড়ার এক মানে মহিলার সঙ্গে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। হ্যাঁ, ভুট্টার জমিতে আমি আবার শুনে মানে হাঁটতে হাঁটতে এলাম, এসে এখানে দেখি যে পুলিশ সিভিক টিমকে রয়েছে, সেটা ফিতে দিয়ে ঘেরে দিয়েছে। আমরা তো আর দেখতে পাইনি, মুখে মুখে শুনলাম যে এইরকম ব্যাপার, যে ওর সাথে একটা দুর্ব্যবহার করেছে এবং হাঁসোয়া দিয়ে নাকি গলাটা কেটেছে, এইরকমই শুনলাম। তারপরে সব পুলিশ পল্টন নিল। আপনাদের এলাকায় এরকম এর আগে এরকম কোনো ঘটনা ঘটেছে? না না, এইরকম আমাদের এলাকায় ঘটেনি, আমরা কোনোদিন শুনেও নি। তো যারা দোষী ব্যক্তি আছে যারা, তাদের আমরা মানে একদম যথাযোগ্য শাস্তি আমরা চাই। আপনার নাম? আমার নাম পঙ্কজ সরকার। এখানেই বাড়ি আপনার? এখানে, এই একই পাড়াই বাড়ি।